मंत्री राजा कुंभकर्ण बहुत गहरी नींद में सोते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको जगाया जाए और जगाने बजाकर चाहे किसी भी तरह, क्योंकि इनको अपना जरूरी है। आपके खाने का भी बंदोबस्त किया है।
में से लाए हैं, ताजा मछली है समुद्र में से लाए। अभी एक ताजा मछली और बची है। ये ठंडो का सरताज, ये खास मछली आपके लिए मंगाई है। जितने खाओ आपका मन पसंद हो जाए। ये तो आज ही पता लगी हमने। हाँ, खाने पीने की
सारी व्यवस्था के साथ साथ इन्हें उसके गुण और अवगुण भी पता है। हमने श्री सेब सेब के गुण बता दे महाराज। अरे क्या मिला दिया महाराज को, खाओ मेरा, खाओ आराम से, खाओ चबा चबा कर खाओ, क्योंकि चबा चबा कर खाने से खाना पचता है और सेहत में भी लगता है। एक हनुमान है कहीं भी पहुंच जाता है, एक ये हमारे लंका के विमान है, जब देखो सुशील वैद के पास पहुंच जाते हैं। वाह 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 वाह, अब कुछ लग रहा है बात बन गई है भ्राता। और आओ जाओ आ जाओ। अरे कुछ नहीं कहेंगे, रावण के भ्राता है। नहीं लगता है हमारा काम बन गया है। ये स्पेशल नेपाल से बुलाया गया नेपाली, नेपाली बकरा है। इसकी आंखें भी हंसती है भ्राता, इसकी तो आंखें भी हंसती है। खाते रहो भुड़का भी लगाते रहो। हाँ लगता है अब मेरे भ्राता का पेट भर गया है, अब हम कुछ काम की बातें कर सकते हैं। रात कई सब कई अभिमान जय प्रकाश सीता हरियाणी। है भ्राता कुंभकर्ण सुनो, पंचवटी पर बहन सुरूपन का गई थी, वह उनमें और हम में भयानक युद्ध चला हुआ है जिसमें हमारे बड़े बड़े योद्धा काम आए हैं। दो में से एक तपस्या को मेघनाथ ने मृत्यु तुल्य कर दिया था, लेकिन वो ना जाने हनुमान हर बार कहां से टपक पड़ता है। सुसैन वैद्य की मदद से वो दूसरा तपस्या जी उठा है। हम चाहते हैं ये रोज रोज का तमाशा खत्म हो जाए और एक ही दिन में पूरा रामायण मिट जाए। इसलिए भ्राता मैं आपके पास आया हूं, आप अपना ऐसा पराक्रम दिखाओ कि शत्रु को पता चले जिसके कुंभकर्ण जैसे भाई हो उनसे वैर कैसे लिया जाता है। सिकंदर के वचन सुनी कुंभकर्ण मेरे खाने, जैसे रावण ने इतने युद्ध
अपनी पुजाओं के दम पर जीते हैं, यही युद्ध भी जीत लेगा रावण। भाई रावण, तूने अभी मुझे सही से पहले आपके हित के लिए ही ये बोला है। छोटा भाई, आपके लिए मित्र भी है और सेवक भी है। यदि छोटे भाई के रहते, यदि छोटा भाई स्वस्थ है, उसकी तरफ कोई आंख उठा के देखे तो छोटे भाई का जीना व्यर्थ है। हनुमान से पाया बड़े भाई, क्या वो राम जी मनुष्य है जिसके हनुमान जैसे सेवक है? ऐ बंधु ते कीन खोटाई, प्रथमी मोहिन जगावे उठाई। बड़े भाई, तूने बहुत बुरा किया जो सबसे पहले आकर मुझे नहीं जगाया। अपराधी को शिक्षा सभी दे सकते हैं, लेकिन भाई वो है जो संकट के समय भाई का साथ दे, शिक्षा न दे, उसका प्रबोध न करे। अरे शत्रु छाती पे खड़ा है, तू मुझे शिक्षा दे रहा है, वक्त आ गया है शत्रु को जवाब देने का। कुंभकर्ण छा गए हो, कुंभकर्ण वाह तेरी क्या बात है, विजय श्री तुम्हारी होगी क्योंकि शंभु तेरे साथ है। भ्राता, मुझे आप युद्ध में जाने का आशीर्वाद दीजिए और मैं प्रण करता हूं सूर्य अस्त होने से पहले उन दोनों राजकुमारों के सिर अलग करके लिंगों में आपके चरणों में डाल दूंगा। क्यों नहीं कुंभकर्ण, अवश्य ऐसे ही होगा, क्योंकि कालों का काल है मेरा भाई, यमराजों का यमराज है। आओ भ्राता, कले से लग लो, क्योंकि फिर हम विजय श्री के पास मिलेंगे। मस्त हो गया मदिरा पी करके और अपना भोजन करके और रणभूमि में अकेला ही आ गया, साथ में सेना भी नहीं ली। श्रीमती चांद को 150 रुपए रावण कुंभकर्ण को भेंट करती है। हेमचंद कौशिक, कुलदीप कौशिक,
ये 50-50 रुपए रावण कुंभकर्ण को भेंट करते हैं, 1100 रुपए भाई रंजीत पहलवान गांव माजरा दिल्ली निवासी जो हमारी लीला देखने आए हुए हैं, दोनों भाइयों को 1100 रुपए इनाम देते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देव मेडिकल स्टोर जो यहीं पर उनकी दवाइयों की दुकान है, मंदिरवाड़ी दुकान, वो भी 100 रुपए दोनों भाइयों को भेंट करते हैं। प्रियांश पौत्र है श्री अशोक कुमार जैन, वो भी 100 रुपए दोनों भाइयों को भेंट करते हैं। राजेंद्र कौशिक जी 50-50 रुपए दोनों भाइयों को भेंट करते हैं। अशोक और सोनू 100-100 रुपए दोनों भाइयों को भेंट करते हैं और उनका आगे कैसे बात करते हैं। भाई सुनम सिंह राठी दोनों भाइयों को 50-50 रुपए भेंट करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। 50-50 रुपए भाई राकेश कौशिक जी दोनों भाइयों को भेंट करते हैं, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और भगवान से क्या वार्तालाप करते हैं, देखी विभीषण भगवान के चरणों में वंदना करके विभीषण जी कुंभकर्ण को देखकर आगे आते हैं। उन्होंने अपने भ्राता को पहचान लिया और उनके चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। राम को भजा है और राक्षस कुल के भूषण
नहीं छोड़ती। अरे तूने तो सनातन भाई रावण से विश्वासघात करके उसकी एक भुजा को काट दिया है, और यदि भाई रावण इस युद्ध में पराजित हुआ तो निश्चित इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप बंधु वचन सुनी फिरा निरीक्षण आयो जय त्रैलोक विभूषण। विभीषण जी कुंभकर्ण से मिलने के पश्चात जब कुंभकर्ण ने ये कहा कि हम मुझे अच्छा बुरा अपना पाया कुछ पहचान में नहीं आ रहा है पुत्र, मैं काल के वशीभूत हूँ, तो विभीषण जी वहां से रामदंग ब्रह्मा जी का भजन किया, ब्रह्मा जी का भजन किया।
पत्तों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदी क्या पाई अपनी औकात भूल जाते हैं। श्री राम जी का भजन कर, श्री राम जी का भजन कर तो मति तेरी निखरेगी, अन्यथा मरेगा बिना मौत मक्खियां लाश पर भिटकेगी। कौशल का ज्ञान ही नहीं है, अपने मन को सामने भेज तेरे पर मैं वार करके अपना वध करवाने के लिए तेरे जैसे वानर मुझे नहीं चाहिए। हर जगह और हर देश में सोने की खान नहीं है, और जब अगली बार जन्म लेगा तो भगवान से बारंबार पूछेगा, धरती पर हनुमान तो नहीं है। जो फकीरी मिजाज रखते हैं, अरे बालक जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठग लगते हैं, वो ठगों पर ताज रखते हैं, जिसे मुट्ठी में आग लगता है। इस समय कुंभकर्ण ने सारी सेना को मूर्छित कर दिया, सब के हाथ हो गए, शरण में आ गए, और फिर भगवान सारी सेना से क्या कहते हैं, सने समित्र की भीक्षण सकल संभाले उसे। भगवान ने रंगभूमि में आए, तरकस लिया, धनुष बाण लिया, सारे पट को बांधा, और वीर रस के रूप में आकर के कुंभकर्ण पर एक साथ सौ सौ बाण एक साथ छोड़ते हैं। अरे राम, बाण भी छोड़ोगे कुछ मुंह से भी बोलोगे।